हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मेरी बात हो रही है उन स्टूडेंट से जो अब क्लास ट्वेल्थ में पहुंच चुके हैं। इन दिनों मैट्रिक्स टॉपिक आप कर रहे होंगे, चैप्टर मैट्रिसेस कर रहे होंगे, और उसके बाद आता है डिटर्मिनेंट। दोनों रिलेटेड चैप्टर है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियोस यहां पर पड़े हुए हैं, उनको जल्दी से देख लीजिएगा उस प्लेलिस्ट को। हालांकि इस वीडियो में भी मैं नीचे यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उन लिंक्स को डाल दूंगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स भी हैं, उनको भी ज्वाइन करिएगा। होता क्या है कि जब आपने डिटर्मिनेंट चैप्टर करा तो वहां पर मैट्रिक्स के इनवर्स के बारे में बात होती है कि हां भाई ए इंटू ए इनवर्स इज यूनिट मैट्रिक्स। बट काफी सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता, यानी उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार ये ए इनवर्स तो समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि इनवर्स है तो ए इंटू ए इनवर्स आएगा। लेकिन हमें जो बोला गया है कि ए इनवर्स इज एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला आखिर आया कहां से। तो आइए इस फॉर्मूले को अच्छे से डिटेल से धीरे धीरे लेकिन पूरी तरह से समझते हैं। वीडियो में लगातार बने रहिएगा, नोट्स बनाइएगा, और जब अच्छे से समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो आइए इस वीडियो में हम समझने वाले हैं दैट व्हाई ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो यहां इस चीज को समझने के लिए कि ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, ये क्यों होता है, मैं ये मान के चलता हूं कि आपको को फैक्टर्स निकालने आते हैं। और जनरली हम को फैक्टर्स को इस तरह से लिखते हैं C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 एंड C33। अब होगा क्या, जब आप को फैक्टर्स निकाल लेते हो तो आप एडजॉइंट निकालते हो, और एडजॉइंट में क्या करते हो, आप को फैक्टर्स को ट्रांसपोज कर देते हो। मैंने जानबूझ के यहां 3x3 लिया है, क्योंकि आइडियली समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ना तो मैं कोई बहुत छोटी मैट्रिक्स 2x2 या ना बहुत बड़ी मैट्रिक्स 4x4 या आगे के ऑर्डर्स ले रहा हूं। आइडियली मैंने यहां पर 3x3 मैट्रिक्स ले लिया है। अब जब आप ट्रांसपोज करते हैं को फैक्टर्स को, तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास एडजॉइंट आ जाता है। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, एडजॉइंट ए लिख रहा हूं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। और इसको एक मैट्रिक्स में मैं फॉर्म कर रहा हूं, और जब आप को फैक्टर्स को ट्रांसपोज कर दोगे तो ध्यान से देखो यहां ऐसा दिखाई देगा, 2-1 नहीं आएगा, यहां 1-2 आ जाएगा, यहां 3-1 नहीं आएगा, 1-3 आ जाएगा, क्योंकि ये इसका इस रो को अब कॉलम में बदलना होगा हमारे को। तो सिमिलरली यहां पर C21 आ जाएगा, C22 वही रहेगा, यहां C23 आ जाएगा, यहां 1-3 के बदले 3-1, 3-2 और ऐसा 3-3 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, अब कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, यानी मैट्रिक्स ए को। अब मैट्रिक्स ए क्या है, मैं उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से लिखूंगा जैसा आप जानते हैं। ध्यान से देखिए, अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ये 2-2 और ठीक इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि यहां मैंने इसको पोस्ट रखा हुआ है, आप चाहें तो प्री भी रख सकते हैं। ध्यान से देखिए, C11 याद है आपको, यहां C12, C13, C21, 22, C23, C31, 32 और ये है C33। अब देखिए यहां पर, अब बहुत क्रूशियल स्टेप, अब जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, यहां मैट्रिक्स ए को इसके एडजॉइंट के साथ, तो पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो ध्यान से समझिए, ये बहुत बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, चाहे आपने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ना हो, हायर मैथ्स करना हो, एनडीए देना हो, CUET देना हो, JEE देना हो, मतलब कोई भी पेपर देना हो, ये कॉन्सेप्ट आपको आना ही चाहिए। ध्यान से देखिए, पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आप हल्का सा एक स्माइल देख रहे हो गए यहां पर कि मैं एलिमेंट्स को उनके रिस्पेक्टिव को फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर रहा हूं। A11 विद C11 प्लस A12 विद C12 प्लस A13 विद C13, तो ये क्या बन गया, ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये एक प्रॉपर्टी होती है, आपको मालूम है।
और जबकि अब इसी रो को जब मैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेकंड रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब मैं इन एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूं तो आपको मालूम है वो प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जो इसका आंसर होगा वो जीरो होगा। तो देखिए यहां मैं लिख देता हूं A11 with C21, A12 with C22 एंड A13 with C23। सो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो इक्वल टू जीरो आएगी। सिमिलरली पहले रो को अगर थर्ड, ध्यान से देखिए ये एक्चुअली में थर्ड रो के को फैक्टर्स हैं जो यहां कॉलम के फॉर्म में दिख रहे हैं क्योंकि हमने एडजॉइंट के लिए इनको ट्रांसपोज करा है। तो अब जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा A11 विद C31 प्लस A12 जो कि एलिमेंट है और यहां 32 जो है वो थर्ड रो का को फैक्टर है, फिर से बोल दूं एडजॉइंट के लिए ट्रांसपोज करा गया है, और A13 विद C33 ये वैल्यू भी क्या आने जा रही है, जीरो। अब यहां पर अब ध्यान से देखिए अब पूरा प्रोसेस हमें रिपीट करना है सेकंड रो के साथ, फर्स्ट रो के साथ नहीं, अब हम यहां सेकंड रो को लेने वाले हैं। अब मैं जब सेकंड रो को फर्स्ट रो के को फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आप कहेंगे सर आंसर आएगा जीरो। अब सेकंड रो के एलिमेंट्स को उन्हीं के रिस्पेक्टिव को फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करते हुए कॉरेस्पॉन्डिंगली A21 को C21 के साथ, A22 को C22 के साथ और A23 को C23 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो यहां पर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A। सिमिलरली सेकंड रो में अगर इसी तरह से थर्ड रो के को फैक्टर्स से मल्टीप्लाई कर मैं ऐड करूं तो रिजल्ट आएगा जीरो। सेम वे थर्ड रो को फर्स्ट रो के को फैक्टर्स के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आएगा जीरो, सेम वे जीरो। लेकिन यहां ध्यान से देखिए A31 will be multiplied with C31, A32 will be multiplied to C32 and A33 is now multiplying to C33. तो ये वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, आइए मैं इसको थोड़ा सा रिफाइन करके लिख देता हूं। ध्यान से देखिए इस तरह से आ गया और ये एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स में अगर आप किसी भी एलिमेंट को कॉमन लेते हो तो आप एक सिर्फ एक एलिमेंट को सारे एलिमेंट में से कॉमन ले सकते हो। ध्यान से देखिए जैसे ही मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन लिया है तो देखिए हमारे पास क्या आ गया है 100010001, यानी ये है हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स। तो ध्यान से देखें अगर मैं ए इंटू एडजॉइंट ए के रिजल्ट को लिखता हूं तो मेरे पास ये आ गया मेरे बच्चों, ये कॉन्स्टेंट है, इसको डिनोमिनेटर में ले गया मैं। और अब आप खुद सोचिए ए के साथ किसको मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी आ जाए, इसका मतलब ये क्या होगा ए इनवर्स। सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर मैं इसे प्री रखता हूं और ए के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो भी आंसर क्या आएगा आई, यानी ये क्या है ए इनवर्स। तो अभी अभी हमने प्रूव कर लिया दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इस आर्टिकल को आप समझिए, नोट्स बनाइए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके वीडियोस और ट्रिक्स यहां पर अवेलेबल हैं। हमेशा इस चैनल से फायदा उठाइए, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए, और क्वेश्चंस के लिए नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी वीडियोस दिए हुए हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।